कड़ी सुरक्षा के बीच महानगर में देव शिला यात्रा के पहुंचने के बाद जगह जगह हजारों की संख्या में लोगों ने शालिग्राम की शिला पर टेका मत्था, फूल मालाओं से उनका किया स्वागत। गोरखनाथ मंदिर में देव शिला यात्रा का होगा रात्रि विश्राम। बुधवार को देव शिला यात्रा को गोरखनाथ मंदिर से अयोध्या के लिए सीएम योगी करेंगे रवाना। तथाकथित यूरेनियम के दो लेदर पैकेट के साथ एसटीएफ की टीम ने तीन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। तीन फर्जी कूटरचित आधार कार्ड, तीन मोबाइल, 1,350 रुपए नगद, दो एटीएम कार्ड, तीन रेलवे टिकट किया बरामद, भेजा जेल। कोतवाली थाना क्षेत्र के एक निजी होटल में एग्जॉस्ट की वजह से लगी आग। मौके पर पहुंची फायर विभाग की दो गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने कहा आग से नहीं हुआ कोई जनहानि। भारत और नेपाल सीमा पर नागरिकों का परंपरागत रूप से आवागमन है फ्री। सुरक्षा को देखते हुए केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी व यूपी पुलिस लगातार संदिग्ध व्यक्तियों की कर रही है चेकिंग। सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है निगरानी। एडीजी जोन अखिल कुमार ने दी जानकारी। लूट का प्रयास करने के आरोप में दो अभियुक्तों अंकित गुप्ता, चंदन प्रजापति को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। अवैध तरीके से नर्सिंग होम चलाने वाले सत्यम हॉस्पिटल के संचालक सुभाष निषाद को गुलरिया थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एएसपी सीओ चौरी चौरा मानुष पारिक ने दी जानकारी। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में मतगणना ड्यूटी पर लगे कार्मिकों को एआरओ अपर आयुक्त अजय कांत सैनी द्वारा दिया गया प्रशिक्षण। कहा पूरी पारदर्शिता सुचिता और निष्ठा के साथ होगी मतगणना। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत एडीजी जोन कार्यालय पर सीसीटीवी कैमरों की लगाई गई प्रदर्शनी। एडीजी जोन ने कहा अभी तक जनपद में 1500 स्थानों पर लग चुके हैं उच्च क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे। अभी भी सीसीटीवी कैमरे लगाने का अभियान है जारी। चोरी करने के आरोप में तीन वांछित अभियुक्तों सात्विक सिन्हा, अनिकेत कुमार डोम व अचिंत बनर्जी को गोरखनाथ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का तीन मोबाइल, चोरी की स्कूटी, 500 रुपए नगद किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के मतपेटियों की सुरक्षा के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य भवन में बनाए गए स्ट्रांग रूम के बाहर पुलिस प्रशासन द्वारा तीन लेयर में पुलिसकर्मियों की लगाई गई है ड्यूटी। 250 पुलिसकर्मी 2400 घंटे दो शिफ्ट में दे रहे हैं मतपेटियों को सुरक्षा। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने दी जानकारी। एक शातिर वाहन चोर आर्यन चौहान उर्फ हिमांशु चौहान को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की स्कूटी व मोटरसाइकिल किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कांग्रेस नेता राणा राहुल सिंह के नेतृत्व में आरटीओ तिराहे से निकाली गई तिरंगा यात्रा। कहा एक बड़े पुत्र की तरह होती है पुरानी पेंशन, जमीन आसमान का फर्क होता है पेंशन पाने वाले और बिना पेंशन पाने वाले व्यक्ति में।